मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं, विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के हैं, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिवस के दिन कहे थे, जिसे सुन के दुनिया एक पल के लिए अचंभित सी रह गई। आइए आज हम इस प्रतिभावान वैज्ञानिक के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानते हैं। 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपत्ति के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। गौरतलब है कि विश्व के एक अन्य महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीला और स्टीफन हॉकिंग की जन्मतिथि एक ही है। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो लोगों को चौंका देती थी। हॉकिंग अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए गए एक दत्तक पुत्र और अपनी दो बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कह के पुकारते थे। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए और 11 साल के बाद सेंट एलिवेज में आ गए, जहां हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा हुई। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय ना होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय से शुरू की और आगे जा के भारतीय वैज्ञानिक जयंत नर्लिकर की सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कॉस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सब ने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि वो एक अनजान और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका नाम न्यूरॉन मोटर डिसीज है। इस बीमारी में शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट के मर जाता है। डॉक्टरों ने कहा हॉकिंग्स बस 2 के मेहमान हैं, लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे 90 सालों तक जीऊंगा। उस समय सबसे उन्हें दिलासा देने के लिए कहा, दिलासा मिली थी। आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा करके दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था। अब हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी, लेकिन वह दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता चला गया। धीरे धीरे उनका वाया हिस्सा भी बंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पर ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत हुई, उन्हें वो भी दे दी गई और ये चेयर तकनीकी रूप से काफ़ी सुसज्जित थी। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते रहे। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया हो। इसी बीच हॉकिंग 3 बच्चों के पिता भी बने।
यही कहा जा सकता है हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हुए थे, ना कि मानसिक रूप से। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं आंकी जा सकती। उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन और डॉक्टर स्टीफन के बारे में जो नॉलेज मिला है उससे आपको संतुष्टि हुई होगी, या फिर शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।